जिला इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा बुधवार को इंजीनियर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत रत्न इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। जिला इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा बुधवार को इंजीनियर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इंजीनियरों ने भारत रत्न और महान अभियंता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इंजीनियर्स डे के अवसर पर जिले में विभिन्न जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इंजीनियर्स डे मनाया गया। नीमच में ओपीएम फैक्ट्री के पास भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर इंजीनियरों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस अवसर पर जिला इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र साकी, सचिव आशीष जैन, सुनील भारती, बाबूलाल गौड़, दर्शन सिंह गांधी, राजेश चतुर्वेदी, कैप्टन आरसी बोरीवाल सहित कई इंजीनियर्स मौजूद थे। आज अभियंता दिवस है और जिले के और सभी इंजीनियर बंधुओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज इंजीनियर्स पॉइंट पर सभी इंजीनियर एकत्रित हुए हैं और ये इसका इंजीनियर डे को हम बहुत बृहद स्तर पर मनाने जा रहे हैं लायन देन के अंदर, जहाँ शाम को 6 बजे सारे कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि हमारे श्री सक्सेना साहब, अमित सक्सेना साहब हैं और अध्यक्षता करेंगे हमारे विधायक महोदय माधव बारू जी। और सभी इंजीनियर साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनावे, भव्य उपस्थिति रहे और सफल बनावे। अपन जो पूरे शहर में या जिले भर में जिला इंजीनियर एसोसिएशन का जो कार्यक्रम करते आए हैं, आपको कैसा लगता है कि पूरे अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो नीमच की स्थिति क्या है? निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही युवा टीम भी साथ में जुड़ी हुई है और इंजीनियर्स लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर पूरे देश भर के अंदर हमारे जो देश के महान इंजीनियर हो गए हैं MV विश्वेश्वरैया जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए थे और बहुत सारे बड़े बड़े काम उस समय पर करवाए थे जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और वर्ष 1955 में उनको भारत रत्न की उपाधि से भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया था और वे 102 वर्ष तक जिए। एक शताब्दी के जीवन के अंदर उन्होंने कई शताब्दियों का काम कर दिया था। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हम सब देश के इंजीनियर इसी वजह से नतमस्तक हैं। उनकी कार्यशैली पर जिस हिसाब से वो काम करते थे, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, तो आज हम सबको ये आवश्यकता है कि हम सब उनकी चीज़ों को फॉलो करें और कम से कम एक इंजीनियर पूरे समाज का ही नहीं, पूरे देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक रचनाकार होता है, एक विश्वकर्मा होता है अगर देखा जाए तो ये उनके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है, समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए, कि हम उनके किए गए कार्यों के साथ साथ हमारे अपने कार्य को भी बढ़ाएं और अपने देश को भी बढ़ाएं। आशीष जैन, आपकी क्या विचारधारा है आज के इस दिन के लिए? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो सबसे पहले कि ग्रुप में इस बार 170 मेंबर हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि और ये सब टीम का सहयोग है कि 170 मेंबर के साथ हम इस ग्रुप को आज सेलिब्रेशन, आज इंजीनियर हम इतने बड़े ग्रुप का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। आज के सारे कार्यक्रम लायंस डेन में रखे हुए हैं और मैं सबसे विनती आग्रह करूँगा कि आप सब बता रहे हो कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज नया क्या कुछ है? नया सर, एक तो हम लोग हर बार स्वागत की परंपरा को हमने चेंज किया है। हर बार स्वागत हम विशेष अतिथि के साथ साथ बाकी बड़े बड़े मेंबर्स का करते थे। इस बार हम सारे सदस्यों का स्वागत स्वागत जारी हमारी जो कार्यकारिणी है वो सदस्यों का स्वागत करेंगे। कितने सदस्य हो चुके हैं? 170 सर, 170 सदस्य इस बार हो चुके हैं। और युवा कितने हैं उसमें? सर ऑलमोस्ट 50% युवा मेंबर है, 50% युवा मोर देन 50% यंग पीपल। और दूसरा है कि इस बार हमने UPI से पेमेंट कलेक्शन किया है और वो भी लगभग 50% UPI से पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। मतलब हमें डिजिटलाइजेशन हमारे बीच में टाक साहब, वरिष्ठ इंजीनियर नगर पालिका के, आज के दिन आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर इंजीनियर्स के लिए आज बहुत गर्व का दिन है कि सर विश्वेश्वरैया भारत रत्न, जो कि एक अद्भुत प्रतिमा थी, उनमें उनने हर क्षेत्र में कार्य किया कि इंजीनियर होते हुए, सामाजिक, राजनीतिक और इंजीनियरिंग में तो उनके बहुत महारत हासिल थी। आज उनके इस भारत में बहुत सारे ऐसे डैम और बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो जीवित है और इसकी गवाह देती है कि वो एक वास्तव में एक इंजीनियर थे और उन्हें जीवन भर इस देश की सेवा में लगे रहे। हमारे बीच में वरिष्ठ इंजीनियर कैप्टन आरसी बोरीवाल है और बालचंद जी वर्मा हैं, जो समाज सेवा भी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आज आप कैसा फील कर रहे हैं?
मैं जब से इस जिला इंजीनियर एसोसिएशन जुड़ा हूँ तब से मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा कि जिला इंजीनियर एसोसिएशन नीमच ने हमारे पितृ पुरुष विश्वेश्वर जी का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की, उसका मैं गवाह हूँ। साथ ही में यहाँ पे जितने भी इंजीनियर साथी जुड़ते हैं सब एक साथ मिलकर के बड़े उत्साह के साथ 15 सितंबर को एक अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सब मिलकर के हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और ये आयोजन हम सफल करेंगे। सेना के इंजीनियर कैप्टन बोरीवाल साहब, आप क्या कहते हैं आज के दिन? आज का दिन, वैसे आज का दिन इतना शुभ दिन, महान दिन है और हमारी ये शुभेच्छा है कि आज जो हमारे स्टूडेंट आई है, इसमें जो इंजीनियर्स एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ दिस इज प्लस पॉइंट फॉर वी पीपल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दी बर्थडे ऑफ सच डिग्निटी हु हैज डन दी फॉर द नेशन, नॉट फॉर द नेशन बट फॉर द वर्ल्ड। और सो एंड वी आर फॉलोइंग, we are the follower of such personalities, so in future also our it is our humble request to all our personnel that they should cooperate and celebrate some type of work. हर क्षेत्र में इंजीनियर काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे गिरी जी बंसल काम करते हैं, आप क्या विचार रखते हैं आज के दिन? हमारा विचार रूप से हम बात करें तो जो अध्यात्म की बात भी करते हैं, हम इंजीनियर बन के एक्सटर्नल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और अध्यात्म के रूप में हम मानव की आंतरिक जितनी भी इंजीनियरिंग है उसको समझ पाते हैं और इन दोनों का तालमेल बिठाना एक बहुत ही सुंदर सी अवस्था है। और एक बात मैं खासतौर पर इस मौके पर कहना चाहूँगा कि भारत त्योहारों का देश है, आज का जो इंजीनियर्स डे है ये तकनीकी शिक्षा की चाहत रखने वाले, तकनीकी शिक्षा जो भी ले रहे हैं वो और जो प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही एक सुंदर दिन है। और भारत में जो त्योहारों का महत्व है उस महत्व के साथ हम चाहते हैं कि सभी इंजीनियर बंधु भी इस पूरे दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पूरे देश में पूरे भारत में इस दिन को एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण के साथ लिया जा सके। अब मैं चाहूँगा हमारे और साहब जो इस संस्था के बहुत अग्रणी व्यक्ति हैं और बड़े उत्साहित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने दो शब्द कहें। मैं आज के दिन पूरे भारतवर्ष के इंजीनियरों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम जिला इंजीनियर एसोसिएशन नीमच के प्रोग्राम में शामिल है। जिला इंजीनियर एसोसिएशन का जो ढांचा है वो इस प्रकार से है कि इसमें गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, प्राइवेट है, फैक्ट्रीज के आर्किटेक्ट है, सभी प्रकार के इंजीनियर इसमें काम करते हैं, जो व्यवसायी है वो भी इसमें हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और मैं आज के दिन ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिले भर के जितने भी इंजीनियर है वो जिला इंजीनियर एसोसिएशन से जुड़े और तकनीकी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। हमारे एसोसिएशन निस्वार्थ भाव से पूरे जिले में काम करती है। आज के दिन मैं पुनः सभी इंजीनियर साथियों को और देशवासियों को भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी को बधाइयां प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।